क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। देखिए ये कह रहा है 2/3 और 3/4 के बीच में आपको थ्री रेशनल नंबर देने हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालते हैं, वो कैसे आएगा वो आप इधर समझिए। आप लिखोगे सॉल्यूशन रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर दो, नंबर को ब्रैकेट में डालें और 1/2 इसके आगे लिख दें। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, 3 और 4 का एलसीएम 12। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से, 4 × 2 = 8 प्लस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से, उसकी 3 से तो 9। आप इसको और ऐड करेंगे तो 8 और 9 होगा 17/12, और सॉल्व करेंगे तो 17/12 × 2 = 24। तो हमें यह पता चल गया है कि इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में इसके और इसके क्या आया है 17/24। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालते हैं 2/3 और 17/24 के। तो आप लिखोगे क्या कि रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 17/24 कैसे निकलेगा। आप इन दोनों को ऐड करेंगे पहले 2/3 और 17/24 को, और ब्रैकेट में लगाने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है बस आपको। तो 1/2 ऐसे ही रहा, 3 और 24 का एलसीएम 24, 3 को 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई और 8 की 2 से तो 16 प्लस 24 को 24 बनाने के लिए 1 से, 1 की 17 से तो 17। 1/2 ऐसे ही रहा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 3/3/24, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 1 की 33 से मल्टीप्लाई तो 33 और 24 × 2 = 48। अब इसका मतलब ये है कि जो 2/3 और 17/24 था इसके बीच में रेशनल नंबर आया है 33/48। तो आप यहां लिख दो 33/48। आपको कितने रेशनल नंबर निकालने थे, आपको निकालने थे देखो 3, 2 आ चुके हैं। तो अभी हमने इन दोनों के बीच में निकाला था, अब इन दोनों के बीच में निकाल लो 17/24 और 3/4 के बीच में। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे रेशनल नंबर बिटवीन 17/24 एंड 3/4 कैसे निकलेगा। पहले आप इन दोनों को ऐड करें 17/24 को और 3/4 को, जो भी आंसर आए उसकी 1/2 से मल्टीप्लाई। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग 1/2 तो ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट होगा पहले सॉल्व, इन दोनों को ऐड करना है तो 24 और 4 का एलसीएम 24, 24 को 24 बनाने के लिए 1 से, 1 की 17 से तो 17 प्लस 4 को 24 बनाने के लिए 6 से और 6 × 3 = 18। आप इन दोनों को ऐड कर लें, 17 और 18 कितना होता है 35, तो 35/24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 35 × 1 = 35 और 24 × 2 = 48। तो अब आप देखिए 35/48 आया है इन दोनों के बीच में। तो थ्री रेशनल नंबर बताने थे वो हमने बता दिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि थ्री रेशनल नंबर नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4 आर क्या क्या है। एक है 33/48, 17/24, 35/48। देखो यही तो तीन है, देखो आप यहां यही थ्री है, तो यही हमारा क्या है आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।